वीडियो को देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा नए वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम इंग्लिश ग्रामर के इस वीडियो के अंतर्गत काइंड ऑफ सेंटेंसेस का अध्ययन करेंगे, यानी वाक्य कितने प्रकार के होते हैं ये जानने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को देखने से पहले इंग्लिश ग्रामर का पहला वीडियो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देखें। आइए अब हम इस वीडियो में काइंड ऑफ सेंटेंसेस का अध्ययन करते हैं। सेंटेंसेस यानी वाक्य किसे कहते हैं, देखेंगे। ए ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंसेस, यानी सार्थक शब्दों का वह समूह जो पूरा अर्थ या भाव देता है उसे हम वाक्य कहते हैं। वाक्य के बारे में अधिक जानने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वाक्य वाले वीडियो को देखें। आज हमको पढ़ना है काइंड ऑफ सेंटेंसेस। तो देखेंगे सेंटेंसेस यानी वाक्य के प्रकार, तो हम देखेंगे जो सेंटेंसेस होते हैं, देयर आर फाइव काइंड ऑफ सेंटेंसेस। जो वाक्य होते हैं वो पांच प्रकार के होते हैं, जिसे हम असर्टिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंपरेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। असर्टिव सेंटेंसेस को हम विधिवाचक या विधि सूचक वाक्य कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को इसको हम कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। इंपरेटिव सेंटेंसेस को हम कहते हैं आज्ञा वाचक वाक्य, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को हम कहते हैं विस्मय वाचक वाक्य या विस्मय आदिबोधक वाक्य भी इसको कहते हैं। और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को हम इच्छा वाचक वाक्य कहते हैं। इस प्रकार हम देखेंगे कि देयर आर फाइव काइंड ऑफ सेंटेंसेस, यानी असर्टिव सेंटेंसेस जिसे हम विधि सूचक वाक्य कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जिसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, इंपरेटिव सेंटेंसेस जिसे हम आज्ञावाचक सेंटेंसेस कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी यानी विस्मयादिबोधक और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस जिसे हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। अब हम बारी बारी से इन सभी का अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं पहले असर्टिव सेंटेंसेस यानी साधारण वाक्य, जिसे हम विधि सूचक वाक्य भी कहते हैं, जिसे हम देखेंगे विधि सूचक वाक्य भी कहते हैं। देखेंगे इसका परिभाषा, ए सेंटेंस डैट मेक्स ए स्टेटमेंट इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंसेस, यानी वह वाक्य जो किसी कथन को बतलाता है उसे हम असर्टिव सेंटेंसेस यानी साधारण वाक्य या विधि सूचक वाक्य कहते हैं। या उसका एक और एग्जांपल यहाँ पर देखें आप, ए सेंटेंसेस मेकिंग ए स्टेटमेंट और डिक्लेयरिंग समथिंग आर कॉल्ड असर्टिव सेंटेंसेज, यानी किसी वाक्य को प्रस्तुत करने वाले वाक्यों को असर्टिव सेंटेंसेस यानी साधारण वाक्य कहते हैं। यानी अगर हम देखें तो असर्टिव सेंटेंसेस यानी जो साधारण वाक्य होते हैं वे वाक्य तथ्य, देखेंगे फैक्ट, घटनाएं, इवेंट या कार्य का बोध करते हैं। यानी जो असर्टिव सेंटेंसेस होंगे वो किसी घटना के बारे में बताएंगे, किसी तथ्य के बारे में बताएंगे, किसी कार्य के बारे में बताएंगे। जैसे हम एक वाक्य लिखते हैं, राम गोज टू स्कूल, तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है तो बताता है राम स्कूल जाता है, तो ये एक तथ्य बता रहा है, एक घटना के बारे में बता रहा है। जैसे एक और हम लिखे हैं, बर्ड्स फ्लाई, चिड़िया उड़ती हैं, यानी चिड़िया उड़ती हैं ये भी एक घटना है और वहाँ पे उड़ने का कार्य किया जा रहा है। तो ये जो होते हैं ऐसे सेंटेंसेस उनको हम असर्टिव सेंटेंसेस या साधारण वाक्य कहते हैं। अब एक चीज़ और याद रखेंगे, इन वाक्यों के अंत में फुल स्टॉप लगा होता है। ये याद रखेंगे, जिस सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप लगा होगा वो सामान्यतः असर्टिव सेंटेंसेस के अंतर्गत रखता है। इस बात को आप लोग डिनोट कर लेंगे। अब देखें तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ असर्टिव सेंटेंसेस, जो साधारण वाक्य होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। एक को हम कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस और दूसरे को हम निगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी जिसको हम हिंदी में स्वीकारात्मक वाक्य कहेंगे, और निगेटिव सेंटेंसेस जिसे हम नकारात्मक वाक्य कहते हैं। आइए देखते हैं क्या है अफर्मेटिव सेंटेंसेस और क्या है निगेटिव सेंटेंसेस। देयर आर टू काइंड्स ऑफ असर्टिव सेंटेंसेस, जो साधारण वाक्य होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं।
पहला आप देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस, जिसे हम स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं। दूसरा हम देखेंगे निगेटिव सेंटेंसेस, जिसे हम नकारात्मक वाक्य कहते हैं। आइए सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी स्वीकारात्मक वाक्य के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अब देखेंगे ए सेंटेंसेस डैट मेक ए पॉजिटिव स्टेटमेंट, ध्यान देंगे पॉजिटिव स्टेटमेंट इज कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंसेस, यानी ऐसे वाक्य जो किसी घटना के होने के बारे में बताते हैं उन्हें हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। यानी ऐसे वाक्य जो किसी फैक्ट, तथ्य, इवेंट और स्टेट को स्वीकार करते हैं यानी होना प्रदर्शित करते हैं, तो उन वाक्यों को हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस या स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे देखेंगे उदाहरण देखें, एग्जाम्पल आइए देखें, लिखेंगे दिस इज ए काउ, यह एक गाय है। आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूँ। ही प्लेड क्रिकेट, वह क्रिकेट खेला। तो ऐसे जो सेंटेंस है जैसे दिस इज काउ, यह एक गाय है, यानी गाय का होना बता रहा है। आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूँ, इस तथ्य को स्वीकार कर रहा है कि मैं एक लड़का हूँ। ही प्लेड क्रिकेट, उसने क्रिकेट खेला, ये तथ्य बताया जा रहा है, पॉजिटिव सेंटेंस है, ये क्रिकेट का खेलना होना बताया जा रहा है। इसलिए ये सारे सेंटेंसेस जो होंगे वो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होंगे। और भी लिखते हैं, राम एंड श्याम आर रीडिंग, ही वेंट टू आगरा। तो ये सारे जो सेंटेंसेस हैं, इन सेंटेंसेस को हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। और अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंत में हमेशा हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। यानी ए सेंटेंस डैट मेक पॉजिटिव स्टेटमेंट इज कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंसेस, यानी ऐसे वाक्य जो फैक्ट, इवेंट या स्टेट की घटना को स्वीकारते हैं यानी होना प्रदर्शित करते हैं, उन्हीं वाक्यों को हम स्वीकारात्मक वाक्य या अफर्मेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। आइए अब देखें निगेटिव सेंटेंसेस यानी नकारात्मक वाक्य किसे कहते हैं। तो ए सेंटेंस डैट मेक्स ए निगेटिव स्टेटमेंट इज कॉल्ड ए निगेटिव सेंटेंस, यानी ऐसे सेंटेंसेस जो नकारात्मक तथ्य को प्रदर्शित करते हैं उन्हें हम निगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। नकारात्मकता को प्रदर्शित करने वाले जो वाक्य होते हैं उन्हीं वाक्यों को हम निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। यानी ये वे वाक्य होते हैं जो फैक्ट, इवेंट और जो स्टेट है उसका निगेटिव यानी नकारात्मक यानी नहीं होना प्रदर्शित करते हैं। अर्थात ए सेंटेंस डैट मेक्स ए निगेटिव स्टेटमेंट इज कॉल्ड ए निगेटिव सेंटेंस, ऐसे वाक्य जो नकारात्मक तथ्यों को प्रदर्शित करते हैं उन्हें हम निगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य यानी निगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम देखेंगे जैसे हमने लिखा था सकारात्मक में दिस इज ए काउ, यहाँ पर हम लिख दें दिस इज नॉट ए काउ। अब कह रहा है दिस इज नॉट ए काउ, यह एक गाय नहीं है। अब गाय का नहीं होने का प्रदर्शित कर रहा है, इसीलिए हम इसको कहेंगे निगेटिव सेंटेंसेस। इसी तरह हम एग्जाम्पल देखें, वी आर नॉट मेकिंग ए नॉइज, यानी हम लोग शोर नहीं मचा रहे हैं। देखेंगे नॉट है यहाँ पर, नहीं का बोध करा रहा है, इसलिए ये भी निगेटिव सेंटेंसेस होगा। देखेंगे गॉड डज नॉट हेल्प ए लेजी मैन, ईश्वर लेजी मैन यानी जो आलसी आदमी होता है उसकी मदद नहीं करते हैं। आई हैव नो पेन, मेरे पास कलम नहीं है। देखेंगे यहाँ पर
नहीं है, यानी ऐसे वाक्य जिसमें नहीं होता है, नेवर का प्रयोग होता है, आई नेवर गिव इट, मैं इसे कभी नहीं दूंगा। देखेंगे यहाँ पर शब्द इस्तेमाल हुआ है कभी नहीं के लिए, नेवर शब्द का इस्तेमाल किया गया। तो इस ऐसे सेंटेंसेस जिसमें देखेंगे क्या क्या आएगा, एक विशेष शब्द आएगा, देखेंगे विशेष शब्द क्या होंगे, नहीं कभी नहीं, यानी इसमें जो वाक्य होंगे वाक्य के अंदर देखेंगे नॉट नो नेवर इत्यादि प्रदर्शित होते हैं, तो ऐसे वाक्य जो होते हैं उनको हम निगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं और ये हमेशा नकारात्मकता का बोध कराते हैं। और दूसरी बात ये भी रखेंगे कि वाक्य के अंत में हमेशा वाक्य के अंत में हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं, फुल स्टॉप का ही प्रयोग इसमें करेंगे, ठीक है। तो निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक तथ्यों को प्रदर्शित करते हैं, यानी किसी भी वस्तु का होना होने की जगह पे नहीं होने का प्रदर्शन करते हैं। ऐसे वाक्य जो किसी भी तथ्य को स्वीकार नहीं करते हैं उन्हीं वाक्यों को हम निगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं, जैसे दिस इज नॉट ए काउ, वी आर नॉट मेकिंग ए नॉइस, आई नेवर गिव इट, मैं इसे कभी नहीं दूंगा, गॉड डज नॉट हेल्प ए लेजी मैन, ईश्वर कभी भी सुस्त आदमियों की मदद नहीं करता, आई हैव नो पेन, मेरे पास पेन नहीं है। तो ऐसे वाक्यों में हमेशा नहीं कभी नहीं, इंग्लिश में नॉट नो या नेवर का प्रयोग किया जाता है और वाक्य के अंत में हमेशा फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। आइए अब हम देखें इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जिसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। प्रश्न से ही पता चलता है कि ऐसे वाक्य जो प्रश्न पूछते हैं उन्हीं को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। देखेंगे ए सेंटेंस डेट आस्क क्वेश्चंस इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ऐसे वाक्य जो प्रश्न पूछते हैं उन्हें हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस या प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। अब ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्टार्टिंग विथ हेल्पिंग वर्ब और दूसरा जो होता है वो स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन वर्ड्स। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है देखेंगे, जैसे इज एम आर वाज वेयर ईटीसी, ये जो हेल्पिंग वर्ब हैं इनसे स्टार्ट होकर जो क्वेश्चन वाले वर्ड बनते हैं उन्हें हम स्टार्टिंग विथ हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसी प्रकार जो क्वेश्चन वर्ड्स क्या होते हैं देखेंगे, जैसे व्हाट हुम वेयर व्हेन ईटीसी, जो ऐसे वर्ड्स होते हैं वर्डों के साथ जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस शुरू होते हैं तो उसको हम स्टार्टिंग विथ क्वेश्चनल वर्ड सेंटेंसेस कहते हैं। आइए हम एग्जाम्पल के रूप में देखें, जैसे देखें आर यू ए प्लेयर, क्या तुम एक खिलाड़ी हो, इज मोहन ए टीचर, क्या मोहन अध्यापक है, इज लता ए गुड सिंगर, क्या लता एक अच्छी गायक है, या देखें वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, तुम कहाँ से आ रहे हो, या देखें हु इज सिंगिंग ए सॉन्ग, हु इज सिंगिंग ए सॉन्ग, या व्हाट इज शिखा ईटिंग, जैसे हम लिखें व्हाट इज शिखा ईटिंग। इस तरह से हम देखेंगे, यहां पर देखेंगे हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है, इज हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है, इज लता ए गुड सिंगर, इसमें भी ये जो क्वेश्चन सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो इज से शुरू हुआ, यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ, ये सारे जो हैं वो होते हैं हेल्पिंग वर्ब, जिनको हम बाद में डिटेल में जब पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस तो उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। और दूसरे यहां पर देखेंगे सेंटेंस है वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, तुम कहां से आ रहे हो, Who is singing song? कौन गीत गा रहा है, What is शिखा eating? शिखा क्या खा रही है, ये जो सारी चीजें हैं यहाँ पर देखें क्वेश्चन What
हूँ, वेयर का प्रयोग किया गया है। इस तरह से ये सारे जो आपके सेंटेंस दिख रहे हैं ये सभी क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसे आर यू ए प्लेयर, क्या तुम एक खिलाड़ी हो, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या तुम एक प्लेयर हो, खिलाड़ी हो। इज मोहन ए टीचर, क्या मोहन एक अध्यापक है। इज लता ए गुड सिंह, क्या लता एक अच्छी गीतकार है। ये सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसी तरह से वेयर आर यू कमी, तुम कहाँ से आ रहे हो, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हु इज ए सिंगिंग सॉन्ग, कौन गीत गा रहा है। और व्हाट इज सीखा ईटिंग, सीखा क्या खा रही है। ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए इन्हें हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस या प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। अब एग्जाम इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो देख लेते हैं। आइए अब हम इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो देख लें कि हम क्या करते हैं। इंट्रोगेटिव जो सेंटेंसेस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंत में हम क्या करेंगे, एंड में हमेशा हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। तो अगर हमको पहचानना है कि कौन सा सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो उसके लिए हमको देखना होगा कि इस वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क है कि नहीं। अगर क्वेश्चन मार्क है तो वह वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य कहलाएगा। आज के वीडियो में हम सिर्फ ये पढ़ा कि अफर्मेटिव, असर्टिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी बचे हुए तीनों इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।